हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले आईपीएससी नेमिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन। सो कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे। ऑलराइट, देन नेक्स्ट, कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑन। आपको इतना ही याद रखना, कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगने वाला है, ऑन। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको उसी कार्बन की चेन को सिलेक्ट करनी है जिसमें कीटोन भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही कार्बन की चेन दिख रही है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कीटोन। तो यही होगी हमारी मेन चेन, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो जब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। वन, दिस इज टू, थ्री एंड दिस इज फोर कार्बन। ऑलराइट, सो यहाँ पर फोर कार्बन है। सो फोर कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो यहाँ पर आ जाएगा एन। देन नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सेकंड पर प्रेजेंट है कीटोन, सो यहाँ पर मेंशन करेंगे पोजीशन टू। और कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स ऑन। देन नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर होगी, यहाँ पर ई और ओ, जब भी ए ई आई ओ यू वाई, इन सभी लेटर में से कोई भी दो लेटर साथ में दिखता है तो जो पहले वाला लेटर है उसको हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ पर देखिए ई ओ, ये दोनों साथ में है, ई ओ, ये दो लेटर साथ में दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, एक के बाद एक। तो जो पहला वाला लेटर, इसको आपको कैंसिल करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो कंपाउंड का नेम क्या है, ब्यूटेन टू ऑन। देन सी, तो यहाँ पर ये होगी मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। जब हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो वन टू थ्री थर्ड पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। अगर नंबरिंग हम राइट से करेंगे तो भी थर्ड पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। सो नंबरिंग मैं यहाँ से कर लेती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। थर्ड पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, सो थ्री। फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी मेन चेन होगी, तो अगर हम इस वाले चेन की बात करें, इस वाले कार्बन की चेन की बात करें, तो इस चेन में प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप और ये वाले चेन में भी प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर टोटल फोर कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर भी टोटल फोर कार्बन आ रहे हैं, तो आप दोनों चेन में से किसी भी एक चेन को कार्बन की मेन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ मेन चेन। अब अगर आपको ये वाली चेन सिलेक्ट करनी है तो आप इसे कर सकते हो, आपको आईपीएससी नेमिंग सेम ही मिलेगा। देन नेक्स्ट, नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। यहाँ पर देखिए थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज मिथाइल टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री मिथाइल। देन नेक्स्ट, मेन चेन में कितने कार्बन है, टोटल फोर कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा ब्यू। सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। सेकेंड पोजिशन पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, सो यहाँ पर पोजिशन मेंशन करेंगे टू। और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या मेंशन करते हैं, सफिक्स ऑन। सो दिस इज थ्री मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज फोर्थ एग्जांपल। तो जो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सो सी हियर, यहाँ पर टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, टू टाइम्स कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। सो यहाँ पर देखिए सेकेंड और थर्ड पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले तो इस मेन चेन में कितने कार्बन है, फोर कार्बन है, सो वर्ड रूट लिखेंगे हम ब्यू। सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। सेकेंड और थर्ड पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सो टू कॉमा थ्री, टू टाइम्स है कीटोन, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डाई। और कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑन। सो दिस इज ब्यूटेन टू थ्री डायोन। देन सी दिस वन, तो यहाँ पर देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो जब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल सिक्स कार्बन है मेन चेन में, सो वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन। देन सेकेंड और थर्ड पर फंक्शनल ग्रुप है, सो टू कॉमा थ्री, टू टाइम्स फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर आ जाएगा डाई। और इस कीटोन के लिए, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी आया है, इसलिए यहाँ पर हमने ई को लिखा है।
अगर यहाँ पर ए आता या फिर यू आता या फिर वाई आता तो हम ई को क्या करते, कैंसिल कर देते, बट यहाँ पर डी है इसलिए हमने ई को कैंसिल नहीं किया है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन, तो ये वाली जो चेन है कार्बन की यही होगी हमारी मेन चेन, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। जब हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं सो 1 2 3 4 पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो भी 4 पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप को कौन सा पोजिशन मिल रहा है, 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड प्रायोरिटी देंगे इस सब्स्टिट्यूएंट को। अब हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। जब हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कौन सा पोजिशन मिल रहा है, 1 2 3। और ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम पोजीशन मिल रहा है और ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम पोजीशन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम पोजीशन मिल रहा है और ये दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर ये फंक्शनल ग्रुप को भी सेम पोजीशन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नंबरिंग यहाँ से कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर सबसे पहले हम किसे मेंशन करेंगे नेमिंग करते वक्त, इस सब्स्टिट्यूएंट को। तो थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5, देन डाई मिथाइल, 2 times मिथाइल है ना इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा डाई मिथाइल। देन नेक्स्ट, मेन चेन में 7 carbon है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन आ जाएगा हेप्टेन। देन फोर्थ पर है फंक्शनल ग्रुप, सो 4 on। ऑलराइट, तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, 3, 5 डाइमिथाइल हेप्टेन 4 on। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कीटोन के साइक्लिक स्ट्रक्चर लिए हैं, सो नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो यहीं से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1st carbon, दिस इज 2nd carbon, 3rd, 4th, 5th एंड दिस इज 6th carbon। तो टोटल 6 carbon है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ड क्या लगाएंगे, साइक्लो, बिकॉज ये एक साइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पर हम वर्ड लगाएंगे साइक्लो। 6 carbon है, सो यहाँ पर आ जाएगा हेक्स, वर्ड रूट हेक्स आएगा और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। देन 1 पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, सो 1, फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगाएंगे ऑन, सो दिस इज साइक्लो हेक्सेन 1 on। देन नेक्स्ट सिलिसमन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 times कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, दिस इज 1st carbon, दिस इज 2nd carbon, दिस इज 3rd carbon, 4th एंड दिस इज 5th carbon। तो यहाँ से नंबरिंग करने पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, 1, 3। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो ये हो जाता 1st carbon, 2nd, 3rd, 4th। जब हम ये साइड से नंबरिंग करते तो फंक्शनल ग्रुप को ये पोजीशन मिलता, 1, 4। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फंक्शनल ग्रुप को 1, 3 पोजीशन मिल रहा है। तो 1, 3 इज द लोएस्ट नंबर, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग। देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड साइक्लो। देन नेक्स्ट, कितने कार्बन है, टोटल 5 carbon है, सो वर्ड रूट होगा पेंट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। देन नेक्स्ट, 1st और 3rd पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, सो पोजीशन मेंशन करेंगे 1, 3। 2 times फंक्शनल ग्रुप है, 2 times कीटोन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डाई और फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या आ जाएगा, ऑन। सो कंपाउंड का नेम क्या हुआ, साइक्लोपेंटेन 1, 3, डायऑन। देन नेक्स्ट सी द 9th example, तो यहाँ पर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। दिस इज 1st carbon, दिस इज 2nd carbon, दिस इज 3rd carbon। सो यहाँ पर 2nd carbon पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, यहाँ पर कार्बन, ठीक है, ये 2 carbon हो गए, सो ये हो जाएगा ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो ई, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 2nd carbon पर, इथनील। सो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे, सो 2-ethanil, साइक्लिक रिंग का इथनील। देन नेक्स्ट, इस रिंग का नेम क्या है, 3 carbon है, सो यहाँ पर आ जाएगा साइक्लो प्रोपेन 1 on। तो जब भी इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड दिया जाता है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करते हैं, उसके बाद रिंग नेम लिखते हैं, उसके बाद सफिक्स लगाते हैं ऑन। सो इस तरीके से आप कीटोन की IUPAC नेमिंग कर सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।